हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। ओके, तो आपको पता है बच्चों कि फंजाई क्या होती है? बेसिकली आप मुझे बता सकते हैं? देखो, फंजाई क्या होती है? हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप में भी इसका नेचर कैसा है बताओ कुणाल? बताओ, सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, कैसा नेचर होता है इसका? सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, समझ लो मेरी बात। हेटरोट्रॉप मीन्स हेट्रो में भी कौन सा? सेप्रोट्रॉप। ठीक है, अब देखिए, सेप्रोट्रॉप का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न अबाउट फंजाई इज दे हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसमें कि जो इनका स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, जो इनका हैबिटेट है और जो इनका प्लेस ऑफ लिविंग है उसमें क्या होती है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स बहुत ज्यादा विविधता, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मीन्स बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की क्या होती है? डाइवर्सिटी इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर कॉस्मोपॉलिटन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड आई थिंक दैट इट इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वाइड स्प्रेड होल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स पूरे वर्ल्ड में इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा फंजाई का। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि होल ओवर द वर्ल्ड आपको फंजाई की स्पीशीज मिल जाती है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज यू कैन फाइंड इन होल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम कॉमन फंजाई। ठीक है, आपने सुना भी होगा बहुत सारी फंजाई एडिबल भी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मोस्ट कॉमन फंजाई इज मशरूम। ओके, वी ऑल नो दैट मशरूम इज एडिबल फंजाई। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड मीन्स जो ब्रेड पे फंगस आ जाती है, आपने देखा होगा अक्सर। ठीक है, सो वो भी क्या है? जब भी ब्रेड थोड़ा खराब हो जाता है कुछ टाइम के बाद, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंजाई। ओके, नेक्स्ट इज ऑरेंज रोट्स। देखा होगा, अगर ऑरेंज को आप बड़े टाइम के लिए रखोगे तो उसमें भी क्या होता है? फंगस आ जाती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंगस इन ऑरेंज। ओके, ग्रीनिश ब्लूइश कलर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टोडस्टूल। टोडस्टूल भी एक बहुत ज्यादा कॉमन फंजाई है। आपने सुना होगा कि एक मशरूम टाइप ही होता है जो जहरीला मशरूम जिसे कह सकते हैं, आपने सुना होगा। एक मशरूम की वेराइटी है विच इज पॉइजनस, ओके, विच इज नॉट एडिबल, तो उसे हम टोडस्टूल कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत कॉमनली आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज वाइट स्पोर्स ऑन मस्टर्ड कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो। ठीक है, सो एल्ब्यूगो इज अ फंजाई विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट स्पोर्स इन मस्टर्ड। ठीक है, सरसों में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, उसके लीव्स में वाइट वाइट कलर के आपको स्पॉट्स नजर आते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से है? बेसिकली कौन सी फंजाई? एल्ब्यूगो की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज हैबिटेट। ओके, अब हैबिटेट क्या है? देखो, हैबिटेट मीन्स प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, मीन्स फंजाई रहती गए। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया फंजाई कहाँ आ रही है, जहां कोई चीज सड़ रही है बेसिकली। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से आपने रखी है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, फंजाई उसी चीज पे आएगी जहां क्या होगा? मॉइस्चर होगा। क्या होगा? मॉइस्चर होगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दैट फंजाई ऑलवेज ग्रो इन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ओके, मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेसेस में फंजाई आती, कभी भी ड्राई प्लेस में आपको यूजुअली फंजाई नहीं मिलती है। ठीक है, एंड वेरी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑल्सो लाइक हमारे हेड पे डैंड्रफ होता है। ठीक है, सो डैंड्रफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंजाई। अब आपका सर कोई ड्राई तो रहता नहीं है। ओके, दैट इज ऑल्सो मॉइस्ट। ओके, मॉइस्ट है ना? व्हाई इट इज मॉइस्ट? बिकॉज ऑफ सिक्रीशंस। ओके, सीबेशियस सिक्रीशंस यू कैन से। ओके, सो वन थिंग नेक्स्ट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई। ओके, स्ट्रक्चर, सो इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट ऑल फंजाई आर मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस। सारी फंजाई कैसी होती है? या तो मल्टी सेलर होंगी या तो फिलामेंटस। फिलामेंटस मीन्स लाइक दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट्स बने होंगे यहाँ पे। ठीक है, आप बोल सकते हो कुछ इस तरह से, मैंने तो रफली ड्रॉ किया, लेकिन ऐसे करके क्या बने होंगे? फिलामेंट से बने होंगे, या बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, तो फंजाई यूजुअली कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट की, जो कि क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, इट इज एक्सेप्शन। व्हाई इट इज एक्सेप्शन? क्योंकि ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिक अबाउट फंजाई। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर इन डिटेल। ओके, तो बच्चों समझ आ रहा है तुम्हें? यस मैम।
ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, मल्टी सेलुलर या फिर फिलामेंटस. दिस इज वेरी बेसिक थिंग एंड देयर इज वन एक्सेप्शन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके यू नो दैट एक्सेप्शन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ओके एक्सेप्शन इज ईस्ट. ओके वाई एक्सेप्शन, बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर. ओके दिस इज इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट थिंग अबाउट स्ट्रक्चर इज की फंजाई बनी कैसे है. ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि फंजाई बनी कैसे है. ठीक है, तो देखिए फंजाई कैसे बनती है. बेसिकली फंजाई का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको मिलेगा माइसीलियम. व्हाट इज द बेस? माइसीलियम. ओके नाउ व्हाट इज माइसीलियम? माइसीलियम इज बेसिकली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा कि ये नेटवर्क किस चीज का है, बेसिक यूनिट क्या है माइसीलियम का. ठीक है, सो बेसिकली माइसीलियम इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफी. किसका नेटवर्क है ये? हाइफी. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज हाइफी. हाइफी क्या होती है? तो बेसिकली आपने देखा होगा फंगस कैसे, यूजुअली जो भी हम फंगस देखते हैं कैसी होती है? पाउडरी. पाउडरी होती है, मींस वो उसमें माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको क्या मिलेंगे? प्रेजेंट मिलेंगे वहां पर. ठीक है, सो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इतनी फंगस को स्प्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइफी. ओके दीज आर नेटवर्क ऑफ, या यू कैन सिंपली से व्हाट इज हाइफी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके अब अगर इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें कि आपको फंगस में हाइफी कैसा मिलेगा. ठीक है, तो इसे सपोज कर लीजिए ये फंगस है. ठीक है, फंगस का हमने छोटा सा एक पार्ट उठाया है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, फंगस का अगर छोटा सा पार्ट उठाएंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? सेल वॉल. अगर सेल वॉल है डेट मीन्स अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, समझ रहे हैं? अगर न्यूक्लियस है तो कई बार यहाँ पे डिविजन्स भी मिलते हैं. समटाइम्स मोस्ट ऑफ द फंजाई में आपको इस तरह से डिविजन, इनको हम बोलते हैं सेप्टा, मीन्स सेपरेशन है. ये क्या है? सेपरेशन है. ठीक है, इन ये जो सेपरेशन है इनको हम क्या कहते हैं? सेप्टा. ठीक है, और ये जो है दिस इज न्यूक्लियाई एंड दिस इज सेल वॉल एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट इज दिस? दिस इज हाइफी, मीन्स इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके कैन यू सी दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? ओके नाउ इफ सो मेनी स्ट्रक्चर, सच स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट देन दे विल फॉर्म अ नेटवर्क. ओके सो मेनी स्ट्रक्चर्स इफ सच काइंड आर प्रेजेंट देन दे विल फॉर्म अ नेटवर्क विच इज नोन एज माइसीलियम. सो गॉट माई पॉइंट? मीन्स सच नेटवर्क लाइक सी, यहां से ही अगर आप कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर निकाल दो, ठीक है, मतलब पूरे बहुत सारे निकलेंगे. ठीक है, थ्रेड लाइक. सो ये होल क्या बन जाएगा? इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज माइसीलियम. ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ. बेसिकली व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंजाई? माइसीलियम. और माइसीलियम भी कैसे बना है? हाइफी से. ठीक है, एंड आई होप आपको समझ आई होगा व्हाट इज हाइफी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट स्ट्रक्चर. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट कुछ फंजाई होंगे जिनमें क्या मिलेगा? सेप्टा. मीन्स मोस्ट ऑफ द फंजाई में आपको हमेशा सेप्टा मिलेगा. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन थोड़ी बहुत फंजाई ऐसी भी होगी जिसमें ये सेप्टा नहीं मिलेगा, मीन्स सेप्टा विल बी एब्सेंट. ठीक है, सो याद रखना है अगर माइसीलियम को भी हम देखें, ठीक है, या फंजाई को भी देखें या इस हाइफी को देखें, तो हाइफी का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कैसा हो सकता है? हाइफी कैसे हो सकती है? इट मे बी कंटिन्यूअस और इट मे बी डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? जिसमें कोई भी बीच में ब्रेकेज नहीं होगी. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे सपोज कीजिए ये एक हाइफी है जैसे मैंने बनाई थी. ठीक है, मीन्स ये बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू है, इसमें एबसेंस ऑफ सेप्टा. व्हाट इज कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मीन्स एबसेंस ऑफ सेप्टा. ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार बिना रुके कोई चीज हो रही है. ठीक है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस. ओके नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस मीन्स प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, मीन्स इसमें क्या मिलेंगे आपको? सेप्टा. जो मैंने अभी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था दैट वॉज
डिसकंटिन्यूअस मीन्स सेप्टा की वहां पर प्रेजेंस थी। ठीक है, अब देखिए ये जो फंजाई है जहां पर मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस होगी, ठीक है, तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा फिर? बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा, समझ रहे मेरी बात? साइटोप्लाज्म कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा बिल्कुल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म होने की वजह से इसे एक स्पेशल नेम दिया जाता है। ठीक है, और उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू दिस कंटिन्यूअस? सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी का मतलब होता है जिसमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, मींस देयर इज नो सेप्टा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो बच्चों, कोई डाउट है? नो मैम। ओके, कुणाल बेटा, तुम्हें कोई डाउट? नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेल वॉल। ओके, अभी हमने किसका जिक्र किया था? थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ सेल वॉल का। ठीक है, कहाँ होती है कुणाल सेल वॉल? बताओ, ध्यान करें तुम्हारा। फंजाई। यस, सेल वॉल फंजाई में तो है, लेकिन कौन से पार्ट में थी? माइसीलियम। हाँ, माइसीलियम में भी कहाँ थी गिरीशा? हाइफी में सेल वॉल थी। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे इस तरह से सपोज कीजिए हाइफी थी, तो मैंने आपको बताया ये क्या थी? सेल वॉल थी। ठीक है, तो ये सेल वॉल किससे बनती है? फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स बेसिकली। ठीक है, वन इज काइटिन एंड वन इज पॉलीसेक्राइड। ओके, टू कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से? काइटिन पॉलीसेक्राइड। काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो याद हो रहा है बच्चों साथ में? यस मैम। ओके, ठीक है, सो टू कॉम्पोनेंट्स इसकी सेल वॉल बनी है, दैट इज काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल वॉल एंड इट्स स्ट्रक्चर। ओके, फंजाई का स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि फंजाई अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करती है, या फंजाई को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ओके, सो सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स जिससे फंजाई को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज मेथड्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बेसिकली कितने टाइप का हो सकता है फंजाई में? सबसे पहले मैंने आपको इसके स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफ मींस दे आर सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, हेप्रोट्रॉफ में भी कौन सा मोड है इनका? सेप्रोफाइट बोल सकते हैं या सेप्रोट्रॉफ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मोड इज पैरासिटिक। फर्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफिक, नेक्स्ट इज पैरासिटिक। ओके, थर्ड मोड इज, तीसरा मोड क्या बोल सकते हैं? लाइकन्स की फॉर्म में। ठीक है, लाइकन्स। ओके, फोर्थ इज, आपने सुना ही होगा, माइकोराइजा। ओके, सुना है ना बच्चों? यस। ओके, आई हैव टॉट यू अर्लियर। नाउ अब देखिए सेप्रोट्रॉफ क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ मींस न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड लिविंग। या सेप्रोट्रॉफ मींस की न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? डेड एंड डी के ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, डेड एंड डी के ऑर्गेनिक मैटर। ओके, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज पैरासिटिक? पैरासिटिक मींस लिविंग ऑन होस्ट। मींस ये तो डेड से था, तो पैरासिटिक कहां से होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मींस लिविंग प्लांट भी हो सकता है या लिविंग एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट मींस पैरासिटिक हमेशा कैसा होगा? लिविंग, डेड चीज पे पैरासाइट नहीं होगा, डेड पे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइकन्स। तो बता सकते हैं मुझे लाइकन्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी गुड। सो लाइकन्स मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, सो व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन? मैंने आपको बताया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है?
मीन्स जहां पे दोनों ही बेनिफिट, दोनों को ही बेनिफिट होता है, ठीक है। जो भी दो चीजें एसोसिएशन में होंगी उन दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, ओके। नो बडी विल गेट हार्म, ओके। सो एसोसिएशन कैसा होगा, सिम्बायोटिक, किसके बीच में, व्हाट इज लाइक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ओके। नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज माइकोराइजा, ठीक है। इसका जिक्र आप बहुत सारे चैप्टर्स में सुनेंगे, ओके। इन 2-3 चैप्टर्स आपकी एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है, माइकोराइजा को, ठीक है। तो क्या होता है कुनाल माइकोराइजा, बताओ। या ओके, आई हैव टॉट यू दैट व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा मींस फंजाई का एसोसिएशन किसके साथ होगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होगा, ओके, ठीक है। और ये इस तरह के एसोसिएशन है जो लाइकन और माइकोराइजा है, जहां पे दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। जो भी दो चीजें एसोसिएशन में है उनको बेनिफिट होता है, ओके। लाइकन इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एज वेल एज माइकोराइजा इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, समझ आ गया बच्चों? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सो लेट्स सी फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके। सो कैन यू टेल मी द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंपल रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स, या एक्सप्लेन देम, सेक्सुअल, या नाउ ग्रीशा विल एक्सप्लेन व्हाट इज सेक्सुअल, व्हाट इज असेक्सुअल। Sexual is which in that there is fusion, gamete formation. Yeah, you are right. Gamete नहीं, zygote का formation होगा, लेकिन gametes का fusion होगा. Okay, it's okay. चलो, हाँ कुनाल बताओ, asexual means where there is no formation of gamete formation and no formation of zygote. Yeah, means you can say simply जहाँ पे gametes भी नहीं होंगे और जहाँ पे zygote नहीं बनेगा, ठीक है, वो होता है asexual. Means एसेक्सुअल स्पोर्स की वजह से जहां पे रिप्रोडक्शन होगा, किसकी वजह से होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स की वजह से होगा, ओके। सो इज इट क्लियर, ठीक है। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ओके। सो देखिए, फंजाई में तीन तरह का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, कितनी तरह का, थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब वो तीन तरह का क्या क्या होता है, एक तो सेक्सुअल हो गया, ठीक है, आपने अभी बताया, दूसरा क्या बताया, एसेक्सुअल, तीसरा क्या होता है, वेजिटेटिव, ठीक है। तीन तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, दैट इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। सो अब हम देख लेते हैं दैट सेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल क्या है, वेजिटेटिव क्या है, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू रिप्रोडक्शन इज ऑफ थ्री काइंड्स इन फंजाई, ओके। फर्स्ट इज एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड नेक्स्ट इज वेजिटेटिव, ओके। देखिए, अब एसेक्सुअली कैसे फंजाई रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। सेक्सुअल इज डिटेल टॉपिक, ओके, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, ओके, फ्यू मिनट्स आफ्टर। फर्स्ट इज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल कैसे होता है फंजाई में, विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसे होगा, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होगा, ठीक है। एसेक्सुअल मीन्स यहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, स्पोर बनते कहाँ हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ बनते हैं स्पोर, एक फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, किसमें बनते हैं ये, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक को, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होती है, फ्रूटिंग बॉडीज, दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब देखिए, स्पोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं फंजाई में, ठीक है, कितने, हाउ मेनी टाइप्स, क्या बता सकते हैं मुझे, एनी वन नेम, जू स्पोर, या वेरी गुड, जू स्पोर्स, ओके, और बता सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जू स्पोर्स, कोनीडिया, ओइडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, ठीक है। तो ये कुछ स्पोर्स हैं जिनकी वजह से फंजाई में क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। जैसे जू स्पोर्स, नेक्स्ट में भी लाइक कोनीडिया, क्या हो सकता है, कोनीडिया, ठीक है, नेक्स्ट हो सकते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स, ठीक है। और ये सब ही प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, ये सब फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आया,
कहाँ हो रही है बताओ? फ्रूटिंग बॉडीज. क्या फ्रूटिंग बॉडीज? बेसिकली व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्पोर फॉर्मेशन. ओके, और कितनी तरह के स्पोर्स बन सकते हैं? थ्री काइंड ऑफ, जू स्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल. ओके, वी विल डिस्कस इट फ्यू मिनट्स आफ्टर. ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव. देखिए वेजिटेटिव क्या होता है बता सकते हैं मुझे? वेजिटेटिव का कोई टाइप? देयर आर सो मेनी टाइप, आपको पता है बताइए. फ्रेगमेंटेशन, बडिंग. फ्रेगमेंटेशन होगी और क्या हो सकता है? बडिंग हो सकती है और फिशन हो सकता है. ठीक है, दीज आर बेसिकली थ्री वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्या क्या हो सकते हैं बोलो? फ्रेगमेंटेशन, या बडिंग, यस, एंड थर्ड इज फिशन. ठीक है, फिशन हो सकता है और बडिंग हो सकती है. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फंड है. ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ और आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में. ठीक है, बडिंग मीन्स बड का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन मीन्स ब्रेकडाउन हो जाएगी, दो चीजें स्प्लिट अप हो जाएंगी. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन भी यही होता है. लेकिन देखो फ्यूजन क्या होगा? दो ही चीजों में डिवाइड होगा, जैसे दो चीजें थी वो स्प्लिट ऑफ हो गई. लेकिन फ्रेगमेंटेशन होगा सो मेनी फ्रेगमेंट्स. ओके, फ्रेगमेंट्स मीन्स स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा. ठीक है, बन जाए. तो आई होप दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव इज क्लियर टू यू. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो अभी आपने मुझे बताया था इसकी डेफिनेशन, दोबारा बोलिए. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड जायगोट फॉर्मेशन. या मींस गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट लीड्स टू जायगोट फॉर्मेशन. ठीक है, समझ रहे? सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फंजाई में. ओके, इट इज लिटिल बिट डिटेल्ड टॉपिक. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह से हो सकती है फंजाई में? थ्री. ओके, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज मीन्स यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स, यू कैन से. ओके, तीन स्टेप है जिसकी वजह से क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्लाज्मोगैमी. क्या होगा? प्लाज्मोगैमी. नेक्स्ट इज कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके, दैट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मोगैमी. ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्लाज्मोगैमी जिसमें क्या होगा? देखिए गैमी, गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी मीन्स फ्यूजन. ठीक है, गैमी मीन्स फ्यूजन. ठीक है, फ्यूजन किसका? गैमेट्स का. प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, समझ रहे? अब देखिए बेसिकली प्लाज्मो है यहाँ पे. प्लाज्मोगैमी मीन्स प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, आप बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं जैसे. ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बेसिकली. ओके, प्रोटोप्लास्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट थिंग. ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म. सो प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म. ओके, नेक्स्ट इज कैरियोगैमी. कैरियो, देखिए गैमी का मतलब तो फ्यूजन ही रहेगा. कैरियो किसके लिए यूज होता है? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. वेरी गुड. ठीक है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है, मीन्स व्हेन टू न्यूक्लियाई विल फ्यूज, टू न्यूक्लियाई फ्यूज विद ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज मियोसिस. बता सकते हैं मुझे मियोसिस के बारे में? रिडक्शनल डिवीजन. या मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. शाबाश. ओके, सो मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन है ये. ठीक है, रिडक्शनल मींस, रिडक्शनल मींस कि क्या हो रहा है? देखिए एक होता है, आपने सुना होगा, हैप्लॉइड सेल होता है, और एक क्या होता है? डिप्लॉइड होता है. ठीक है, हैप्लॉइड का मींस क्या होता है? सिंगल, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. इसमें क्या होगा? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड मींस एन. ठीक है, डिप्लॉइड मींस टू एन. समझ रहे मेरी बात? ठीक है, सो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब इसमें क्या होता है? देखिए एक चीज होगी कि जहां पे दो हैप्लॉइड गैमेट मिलेंगे, मींस एन प्लस एन क्या बना देगा?
टू एन, उसे तो हम क्या कहते हैं, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, मींस दो चीजें मिली और उन्होंने क्या बना दिया, डिप्लॉयड चीज बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम बात क्या कर रहे हैं, ये कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है, कि डिप्लॉयड से क्या बनेगा, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, ठीक है, वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। इट मींस व्हाट इज मियोसिस, व्हेन डिप्लॉयड सेल गेट कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड, ओके, मींस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू हैप्लॉयड, ओके, मींस टू एन विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल एन, इज दैट क्लियर, ओके। सो दीज आर बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अब देखिए यहीं से शुरू करते हैं बात को, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई थे आपके पास, क्या थे, टू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, यहीं से शुरू होगा, ठीक है। अब दो हैप्लॉयड मिलेंगे तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मींस एन प्लस एन विल कन्वर्टेड इनटू टू एन। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि फ्यूजन के लिए भी कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, जैसे हमारी लाइफ में कंपैटिबिलिटी जरूरी है बिटवीन टू पार्टनर्स, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यहां भी जो फ्यूजन पार्टनर्स होंगे उनके बीच में कंपैटिबिलिटी मींस तालमेल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात, ओके। सो इसी तरह से यहां भी जो दो मेटिंग पार्टनर्स होंगे वो कैसे होनी चाहिए, कंपैटिबल, मींस इट इज अ काइंड ऑफ कंपैटिबल मेटिंग, ओके। क्या है ये, कंपैटिबल मेटिंग, मेटिंग मींस फ्यूजन है, किस तरह का है, कंपैटिबिलिटी, तालमेल वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी शादी किसी से भी करा सकते हैं, आप उसी को पसंद करेंगे एज अ लाइफ पार्टनर जहां क्या होगी, कंपैटिबिलिटी होगी, तो यहां भी फंजाई जो है वो उसी के साथ फ्यूज करेगी जिसके साथ उसकी क्या होगी, कंपैटिबिलिटी होगी, ठीक है। सो एन प्लस एन से क्या बन जाएगा, टू एन, ठीक है, ये दिस इज नॉर्मल फंडा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ क्या कि दो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई थे और वो किस में कन्वर्ट हो गए, डिप्लॉयड में, तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या, हुआ क्या यहां पे, प्लाज्मोगैमी प्लस कैरियोगैमी, क्यों, क्या फ्यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियस, मींस कैरियोगैमी तो हो ही रही है, जब न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा होगा तो डैट मींस पूरा सेल भी फ्यूज कर रहा होगा आपस में, टू डिफरेंट सेल्स भी फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो दो डिफरेंट सेल्स का प्रोटोप्लाज्म भी क्या करेगा, आपस में फ्यूज करेगा, ठीक है, मींस प्लाज्मोगैमी प्लस कैरियोगैमी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैसे बना डिप्लॉयड, प्लाज्मो प्लस कैरियोगैमी, पी प्लस के से बना, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, ये तो हो गया सिंपल कि हैप्लॉयड गेट कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड, ओके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओके, आई एम गोना टेल यू इज दैट कि ये जो कन्वर्जन हुआ ना हैप्लॉयड का डिप्लॉयड में, ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्टली डिप्लॉयड भी हो सकता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूं, जैसे देखिए एस्को प्लस बिसीडियो में क्या होता है, दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ फंजाई, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिसीडियो माइसिटीज, ओके, देर आर बेसिकली फोर क्लासेस ऑफ फंजाई, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ओके, बिसीडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज, ओके, वी विल डिस्कस इन द लेटर लेक्चर, ओके, नेक्स्ट लेक्चर। सो देर आर टू एक्सेप्शंस, दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बिसीडियोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, देखिए बेसिकली होगा क्या कि हैप्लॉयड से तो क्या बनता है, हमेशा टू हैप्लॉयड जब मिलेंगे तो एक डिप्लॉयड बनता है, दिस इज द नॉर्मल फंडा, ठीक है, लेकिन एस्को और बिसीडियो में क्या होता है कि कई बार ये जो दो हैप्लॉयड हैं ये इमीडिएटली डिप्लॉयड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, समझ रहे हैं, मींस देयर विल बी अ स्लो प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होगा, स्लो, कि ये इमीडिएटली, जैसे दो हैप्लॉयड है ना, होता क्या बेसिकली, ये देखिए दो हैप्लॉयड होते हैं, फटाफट ये मिले और इन्होंने क्या बना दिया, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल, दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस, दिस इज वेरी इमीडिएट प्रोसेस, लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बिसीडियो में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज क्वाइट स्लो, ठीक है, थोड़ा धीरे हो जाता है प्रोसेस, समझ रहे हैं, अगर स्लो हो जाएगा तो इसका मतलब बीच में कौन सी स्टेज आएगी, इंटरमीडिएट स्टेज क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे, मींस जब हैप्लॉयड क्या हो रहा था, डिप्लॉयड में कन्वर्ट होने वाला था,
तो उसके बीच में क्या आ जाएगी, एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेज। और उसी स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, दिस इंटरमीडिएट स्टेज इज नोन एज डाइकैरियन। क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। तो अभी मैंने आपको बताया कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर। डाई मीन्स टू, ठीक है, कि ऐसी स्टेज जहां पर दो न्यूक्लियाई आपस में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो बेसिकली होता क्या, देखिए सपोज कीजिए ये दो न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये एक अलग सेल का है और ये अलग सेल का है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, अलग अलग सेल का, यहाँ इसका ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मा है, ठीक है, समझ रहे इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज डाइकैरियन, डाइकैरियन का मतलब होता है जैसे ये क्या करेंगे आपस में, दो हैप्लॉइड क्या करेंगे, फ्यूज, क्या करेंगे, फ्यूज, तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, उसमें क्या होगा, देखो ये दोनों एक ही सेल के अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे लेकिन अलग अलग। आपको पता है ना डिप्लॉइड में होगा क्या, एक दो फ्यूज करके क्या बना देंगे, सिंगल बनाएंगे, लेकिन कई बार जो होता है प्रोसेस इतना स्लो होता है कि ये दो जो है वो सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गए लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं कर पाए, ओके, दे टेक टाइम फॉर फ्यूजन, सो दिस कंडीशन इज नोन एज डाई कैरियन, मीन्स जहां पर दो न्यूक्लियाई एक साथ एग्जिस्ट किए, ठीक है, समझ आ गई बात, जहां पर दो न्यूक्लियाई एक साथ एग्जिस्ट किए उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डाई कैरियन, ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो अब देखिए डाई कैरियन स्टेज आ जाती है, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद, मैंने बोला प्रोसेस इज स्लो लेकिन एंड रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, डिप्लॉयड, है ना, तो कुछ टाइम के बाद ये जो आपको डाई कैरियन स्टेज मिली, दिस गेट कन्वर्टेड इंटू प्रॉपर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स टू न्यूक्लियाई विल गेट कन्वर्टेड इंटू सिंगल वन लार्ज न्यूक्लियाई इन दिस वे, ओके, दिस इज डिप्लॉयड, दिस इज डाइकैरियन एंड दिस इज हैप्लॉइड कंडीशन, ओके, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके, दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज डाइकैरियन एंड दिस इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स टू एन, ओके, एंड वट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीन्स एन एन, एंड वट इज डाइकैरियन, डाइकैरियन मीन्स एन प्लस एन, समझ रहे, यहां पे n और n तो अलग अलग है, ठीक है, हैप्लॉइड मीन्स टू n सेपरेटेड, टू न्यूक्लियाई आर टोटली सेपरेशन विद ईच अदर, ओके, मीन्स इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में वो प्रेजेंट है, डाइकैरियन में क्या होगा, एक ही सेल में लेकिन दो न्यूक्लियाई सेपरेटेड है, ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन डाइकैरियन स्टेज सिर्फ कौन सी फंजाई में मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज एंड बिसीडियो, इसका मतलब जो मैंने आपको दो क्लासेस और बताई, कौन सी, फाइकोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज, उसमें आपको डाइकैरियन स्टेज नहीं मिलेगी, इट इज ओनली प्रेजेंट इन एस्को एंड बिसीडियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये क्वेश्चन अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा, डाइकैरियन, ठीक है, बहुत कॉमन है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ फंजाई, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, थैंक यू।